राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को इशारा कर देते और लक्ष्मण जी को इशारा कर देते तो लक्ष्मण जी के बल से तो आप परिचित हैं। जग महासखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष माते, और लक्ष्मण जी का धनुष पर बाण चढ़ जाता और ये राजा कहीं अड़ोस पड़ोस से तो आए नहीं। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पन ठाना, अनेक दीपों से राजा आए हैं, अनेक देशों से राजा आए हैं, और अगर युद्ध हो जाए अनेक दीपों से आए हुए राजाओं का के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध हो जाए तो बोलो ये युद्ध होगा कि विश्व युद्ध होगा? विश्व युद्ध होने का डर है कि नहीं? दीप दीप से राजा आए, देश देश से राजा आए और राम जी लक्ष्मण जी को इशारा कर देंगे हां तो फिर विश्व युद्ध हो जाएगा कि नहीं? तो राम जी ने सोचा कि विवाह में रक्तपात, विवाह में युद्ध और विश्व युद्ध, अनेक राजा मारे जाए, अनेक दीपों के सम्राट यहां इकट्ठे। राम जी ने इसीलिए लक्ष्मण जी को इशारा नहीं किया कि विश्व युद्ध टालना चाहिए, जो उसमें कोई भले ही कहे हां हो जाए हो जाए, अरे हो जाना अच्छा नहीं है, इतनी आसानी से कह दिया जाता तो टालना चाहिए। राम जी ने विश्व युद्ध को टाला है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। राम जी कहते हैं कि विश्व युद्ध को टालो, इसलिए लक्ष्मण जी को इशारा नहीं किया, और लक्ष्मण जी का कहना यह है कि विश्व युद्ध ना हो जाए इसी डर से, क्या जो कुछ होता रहे हम सब सहते रहे? दूसरा पक्ष भी है, और जब लोग हमारी दुर्बलता समझ लें कि हम विश्व युद्ध से डरते हैं तब तो भी हमारी दुर्बलता का दुरुपयोग करेंगे। तो जिसके जो मन में आए सो बोलता रहे, जो जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता रहे, हम केवल इसी डर से शांत बने रहे कि युद्ध ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए। राम जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर बोले युद्ध तो हो नहीं पर व्यवस्था हो, अनुशासन तो चाहिए। तो कैसे करोगे? इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को तो इशारा किया नहीं, और बिना रक्तपात के बिना युद्ध के और व्यवस्था हो जाए वही तो अनुशासन है। तो कैसे करोगे? आप जानते हैं लक्ष्मण जी को तो इशारा किया नहीं पर भगवान ने प्रेरणा करके एक को बुला लिया। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण या अन्य जितने रामचरित मानस के तरह राम जी का गुण गायन करने वाले ग्रंथ हैं, उन प्रायः सब में परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात विवाह के बाद जनकपुर से लौटकर अयोध्या आ रही थी, तब रास्ते में परशुराम जी मिले। पर तुलसीदास जी ने रास्ते वाली घटना को यही, क्यों? तुलसीदास जी ने सोचा होगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अरे परशुराम जी तो यहां आवे जहां राजा लोग बकझक लगाए हुए हैं, मतलब क्या समाधान भी तो वहां होना चाहिए जहां समस्या हो। यह कोई व्यवस्था है कि समस्या यहां है समाधान हुआ? और परशुराम जी मुख्य द्वार में आकर खड़े हो गए फरसा लेकर, और जैसे ही परशुराम जी को देखा तो जो राजा ऊपर हाथ उठाए हुए था, ले छुड़ाए सिंह कहे को, उठो जानकी जी को छुड़ा लो, और परशुराम जी को देखा तो उसका हाथ ऊपर से नीचे नहीं आ सकता था, मुंह जो खुला तो खुला रह गया, वो बंद नहीं हो सकता था। बगल वाले ने परशुराम जी को नहीं देखा तो बोला क्या बात है, ढीले कैसे पड़ गए, बोलो बोलो हम तो बैठे, बोलो। अब वो बोले क्या, वो तो उधर देखे, न मुंह बंद हो न हाथ नीचे आवे, क्या बात है। और जो उसने परशुराम जी को देखा, हे भगवान जो देखे उसकी बोलती बंद। कुछ लुक गए कुछ छिप गए, अब दुबले पतले राजा तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए, अब स्थूल शरीर वाले मोटे मोटे राजा कहां जा रहे? अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोकी सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे
कांप, अरे बाप रे। कोई गे लुकाई, कोई गे लुकाई, कोई भाग चुपचाप, कोई गे लुकाई, कोई भाग चुपचाप, कोई कोई बैठा जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप, कोई कोई बैठ जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति भी लोग सब भूखे काम, अरे बाप रे बाप। किसी ने कहा कि चलो प्रणाम करो, परशुराम जी आए। दूसरा राजा बोला प्रणाम करने पहले जाए कौन आगे बढ़ के, क्यों? बोले जो जाएगा प्रणाम करने के लिए सिर नीचे झुकाएगा, वह नीचे ही जाएगा कि ऊपर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा कि प्रणाम नहीं करोगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां थे पितु समेत ले ले निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। और आप जानते हैं सबने प्रणाम किया और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखते हैं, किसे कहीं देखा है, यही सुभाएं चितवई हित जानी, वही सोचता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए, सो जाने जनु आयु खुटानी। अच्छा आप विचार करो, शांति हो गई कि नहीं, कुछ करना पड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ। युद्ध भी ना हो और अव्यवस्था भी ना हो तब समाज का मंगल होता है। और यह मंगलमयी प्रेरणा और मंगलमयी व्यवस्था के मंगलमय सूत्र मिलते हैं राम जी के चरित्र में। इसीलिए कहा गया जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। न युद्ध न अव्यवस्था, व्यवस्था। परशुराम जी आए, जनक जी ने बड़ी चतुराई से श्री जानकी जी को बुलवा लिया। पहले स्वयं आकर प्रणाम किया और फिर श्री जानकी जी को सीए बुलाई, प्रणाम करा, बेटी प्रणाम करो। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज जनक जी बड़े प्रसन्न हुए मन में कि चलो आशीर्वाद दे दिया परशुराम जी ने, अब हल्ला गुल्ला कितने ही हो पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आशीर्वाद भी तो दिया। और राजाओं ने प्रणाम कर लिया, जनक जी ने प्रणाम कर लिया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम करा दिया। पर परेशान थे विश्वामित्र जी कि हम क्या करें, कहीं राम जी को भेजा प्रणाम के लिए कि जाओ प्रणाम करो और किसी ने इशारा कर दिया कि यही है यही, और फरसा उठ जाए तो संभालेगा कौन फिर। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को नहीं जाने दिया। कभी कभी लगता है कि राम जी ने अगर कहा भी हो या सोचा भी हो तो गुरु जी ने इशारा कर दिया कि नहीं बैठो अभी नहीं। विश्वामित्र जी गए पहले, विश्वामित्र मिले पुनि आई। एक भक्त बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे कि विश्वामित्र जी आकर मिले, फैला दी अपनी भुजाएं, भगवान परशुराम आइए आइए। परशुराम जी ने देखा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आइए। अब दो इस स्तर के मिले तो हृदय से हृदय लगाकर मिले, तो दोनों एक दूसरे के हृदय से लगे। अब विचार करो आप जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे की भुजा एक दूसरे के बगल में दबी होगी कि नहीं। विश्वामित्र जी को मौका मिल गया, परशुराम जी को जैसे हृदय से लगाया तो फरसे वाला हाथ अपने बगल में और दबा लिया। मिल रहे हैं, अलग नहीं हुए। उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो,
लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब यह था कि जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक मिल लो, फिर बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। प्रणाम कर लो तब तक। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने जो राम जी को देखा तो देखते रह गए, पर विश्वामित्र जी को जल्दी है कि जल्दी जाएंगे प्रणाम करके जल्दी। परशुराम जी ने पूछा ये कौन है, इतनी जल्दी उत्तर दिया। राम लखन दशरथ के डोटा, ये राम और ये लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। आशीर्वाद दे महाराज, आशीर्वाद मिला कि जाओ तुम जाकर बैठो फिर हम आ रहे हैं।